विदित है, आज अंबेडकर पार्टी ऑफ इंडिया ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है और इस पर हम सभी आप पत्रकार बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। अंबेडकर पार्टी ऑफ इंडिया देश की एक तरह से संविधान, सत्य, विज्ञान, मानवता, मानवाधिकार और अंतर्राष्ट्रीय कानून, पोस्ट में ह्यूमनिज्म और अंबेडकरिज्म पर आधारित पैन इंडिया पार्टी मूवमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन है, जो दिल्ली में पहली बार अपना लोकसभा चुनाव लड़ने जा रही है। हालांकि पूरे देश में तकरीबन हमने 100 से ज़्यादा कैंडिडेट अलग अलग राज्यों में हमने उतारे हैं और इसी कड़ी में पहली बार हम दिल्ली में 4 कैंडिडेट यहाँ से चुनाव मैदान में हमने उतारे हैं, जिसमें नई दिल्ली से महेश डेनवाल जी चुनाव लड़ रहे हैं और उत्तर पश्चिमी दिल्ली से एडवोकेट सतीश चंद्रा जी चुनाव लड़ रहे हैं, पश्चिमी दिल्ली से सुनील मेघवाल जी हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं और साउथ दिल्ली से हमारे सबसे वरिष्ठ साथी भीम सिंह जी चुनाव लड़ रहे हैं। तो इस प्रकार से हम दिल्ली में पहली बार लोकसभा की 4 सीटों पर हम चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव लड़ने से पहले हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष धीमान विजय मानकर साहब, उन्होंने ये 80 गारंटी नीतियां जो आपको सभी को हमने दी है, उपलब्ध कराई है, ये 80 गारंटी नीतियां हमने फरवरी में डिक्लेयर कर दी थी और अंबेडकर पार्टी ऑफ इंडिया ही देश की एकमात्र ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो चुनाव से पहले 2-3 महीने पहले ही अपना चुनावी घोषणा पत्र, जिसको हम पॉलिसी कमिटमेंट या चुनाव घोषणा पत्र हम कहते हैं, ये हम डिक्लेयर कर देते हैं। इस बार आपने देखा होगा कि जनता जनरली चुनाव घोषणा पत्र से कोई सरोकार नहीं रखती थी, लेकिन इस बार देखा गया कि बहुत सारी राजनीतिक पार्टियों के उन्होंने चुनावी घोषणा पत्र या तो उनको उपलब्ध हुआ है तो उन्होंने लिया है या फिर ऑनलाइन उन राजनीतिक पार्टियों के जो पोर्टल के ऊपर जो उपलब्ध रहता है उसको उन्होंने जो है वहां से डाउनलोड है वो किया है। और पहली बार ये देखा गया कि जनता है वो अपने आप में इन चुनावी घोषणा पत्रों का अध्ययन करती है और वो देखती है कि कौन सी राजनीतिक पार्टी ने क्या वायदे किए हैं, क्या बातें रखी है, उनका विजन क्या है, उनका पॉलिसी और प्लान क्या है, इस देश को चलाने के प्रति वो क्या विजन है वो लेकर चलते हैं। तो इन बातों को सिखाने का काम है हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष धीमान विजय मानकर साहब ने अब वो किया है और हम आपको ये बताना भी चाहते हैं कि जिन नीतियों की हम पहली बार इस प्रकार से घोषणा करते हैं, यानी ऐसी बातें जो आती है या ऐसी नई बातें वो अंबेडकर पार्टी ऑफ इंडिया पहले डिक्लेयर करती है और हमारी जो नीतियां हैं उनको कॉपी करने का जो काम है वो फिर दूसरी अन्य राजनीतिक पार्टियां, जिसमें तथाकथित ये बड़ी जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं वो भी शामिल है, वो ये देखती, वो इंतजार करती है कि अंबेडकर पार्टी ऑफ इंडिया के द्वारा ये अपना चुनावी घोषणा पत्र कब जारी किया जाएगा और फिर यानी कि एक तरह से हम है उस उनकी नकल करते हुए हम हमारे हिसाब से जो हमें सूट करता है उन बातों को हम लेते हुए हमारा घोषणा पत्र है वो हम जारी करें। तो ये सिखाने का काम है वो कम से कम इस देश में अंबेडकर पार्टी ऑफ इंडिया ने है वो किया है। और हम आपके माध्यम से दिल्ली प्रदेश की जनता से अपील करना चाहते हैं कि इन 80 गारंटी नीतियों में हमने कोई धर्म की, जाति की, संप्रदाय की, क्षेत्र की हमने बात नहीं रखी है, बल्कि हमने बात रखी है कि विज्ञान, तकनीकी ज्ञान, मानवता
और ये इस प्रकार के जो बेसिक यानी कि एक तरह से जो आधारभूत जो इश्यूज हैं इनके आधार पर देश हमारा आगे कैसे प्रगति कर सकता है। आज साइंस एंड टेक्नोलॉजी का युग है और धीरे धीरे हम जिस सिविलाइजेशन की ओर बढ़ रहे हैं वो आने वाले टाइम में हम जो 1HK सिविलाइजेशन की ओर बढ़ेंगे, जिस समय हमारा जो यानी कि एक तरह से जो कल्चर जो इस विश्व के जो लोग हैं, जैसे आज हम प्लेन से हवाई जहाज से एक दूसरे देशों की यात्रा करते हैं, आने वाले टाइम में अंतरिक्ष में यानी कि एक तरह से जो लोग हैं वो सैर करना शुरू कर देंगे और वहां पर जो है इंसानी बस्तियां हैं वो बसनी शुरू हो जाएगी। तो ये विजन है वो हमारे भारत में आना चाहिए, दूसरे देश इस विजन को ग्रहण करे इससे पहले ये विजन है वो हमारे देश में आना चाहिए। हमारे जो युवा है, हमारा जो यूथ है, उनका जो टेम्परामेंट है, साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलपमेंट उनका डेवलप हो, इन बातों को लेकर है वो अम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया है वो चुनाव लड़ रही है, जिसमें यहाँ से बेरोजगारी है उसको खत्म किया जाए, सच्चे अर्थों में रोजगार है वो जनरेट हो, और साथ ही साथ यहाँ के जो गरीब जो लोग हैं, जो BPL जो लोग हैं, उनको मध्यम अमीर कैसे बनाया जाए। कुछ राजनीतिक पार्टियां कहती है कि हम उनको, हमारे जो है लोग हैं उनको 15 लाख देंगे, और कुछ जो लोग कहते हैं कि हम जो है 5 किलो अनाज देंगे, जब उनकी प्रतिक्रिया होती है तो वो कहते हैं कि नहीं हम 10 किलो अनाज देंगे, जबकि वास्तविकता में इस देश में युवाओं को, यूथ को इस चीज की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आवश्यकता है कि साइंटिफिक जो एजुकेशन है वो कैसे बढ़े और उनको अच्छा रोजगार है वो कैसे मिले, बेरोजगारी, भुखमरी, गरीबी है वो कैसे खत्म हो, इसके ऊपर है वो काम करने की आवश्यकता है। महिला और बाल विकास को का डेवलपमेंट है वो कैसे हो, इस बात की है वो आवश्यकता है। तो इन बातों को लेकर जो है वो अम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया है, उसने अपनी 80 गारंटी नीतियां है उनको डिक्लेयर किया है, और ये जो हमारा जो प्लान है ये 2029 तक के लिए है। हम सत्ता के बाहर रहेंगे तब भी हम इनके लिए संघर्ष करेंगे, और यदि किसी भी रूप में हमारी सत्ता में भागीदारी बनती है तो भी ऐसी स्थिति में हम इन नीतियों को लागू है वो करवाने का हम पूरा प्रयास है वो करेंगे। साथ ही साथ आज इस समय देश की जो जनता है, भारत की वर्तमान जो चुनावी व्यवस्था है इसको लेकर भी बहुत ज़्यादा अविश्वास है। आज चुनाव आयोग की जो विश्वसनीयता है वो एक तरह से कटघरे में है इन बातों को लेकर, और हमने पहले जो है चीफ इलेक्शन कमीशन को, हमने जो भारतीय चुनाव आयोग है इसको हमने 3 बार है वो कंप्लेंट की है, 3 बार हमने पिटीशन दी है, 23 जनवरी 2024 को दी, फिर उसके बाद में 29 जनवरी 2024 को दी, और फिर 8 फरवरी 2024 को दी। और हमने उनसे ये कहा जो जिन ग्राउंड के ऊपर, जैसे बहुत सारे जो लोग हैं आज EVM का और जो है इसका जो लड़ाई है वो लड़ रहे हैं, तो हमने चुनाव आयोग से कुछ जवाब है वो मांगे थे कि जो जो EVM है उसमें जैसे एक तो सिंबल लोडिंग यूनिट हो गई, VVPAT हो गई और कंट्रोल यूनिट हो गई, और इन तीनों में यानी कि एक तरह से इनका जो यानी कि एक तरह से कॉम्बिनेशन है लाइक एक कंप्यूटर के रूप में है, और कंप्यूटर के रूप में जब इनको ऑपरेट किया जाता है, जैसे सिंबल लोडिंग यूनिट में कंप्यूटर लैपटॉप की या कंप्यूटर के माध्यम से सॉफ्टवेयर से जो है उसमें डेटा है वो अपलोड किया जाता है, तो ये इनका यानी कि एक तरह से जो बिहेव है वो हो गया कंप्यूटर के समान। और 2002 का एक IT एक्ट बना हुआ है जिसको साइबर लॉ भी कहा जाता है, इसके साथ साथ में 2023 का जो है टेलीकम्युनिकेशन लॉ है, तो इनके तहत ये प्रोविजन है कि इस प्रकार के डिवाइसेज को ऑपरेट करने के लिए आपके पास में कुछ लाइसेंस और सर्टिफिकेट होने चाहिए, और यदि वो लाइसेंस और सर्टिफिकेट नहीं है तो फिर ऐसी स्थिति में जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 एंड कंडक्ट रूल 61 के अकॉर्डिंग आपकी ये जो चुनावी व्यवस्था है वो फ्रॉड हो जाती है, और ऐसी स्थिति में ये आपके जो डिवाइसेज हैं वो भी इलीगल हो जाते हैं, और इलीगल डिवाइसेज से आप लीगल इलेक्शन नहीं करवा सकते। इन ये जो बात है वो हमने इलेक्शन कमीशन के संज्ञान में हम लेकर आए, लेकिन 3 बार हमने पिटीशन करने के बावजूद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने किसी प्रकार का कोई जवाब है वो नहीं दिया। तो फिर ऐसी स्थिति में हमने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जो है ये सुओमोटो कॉग्निजेंस के तहत जो है स्वतः संज्ञान के तहत हमने जो है कंप्लेंट की कि भाई आप इसके ऊपर यानी कि एक तरह से कुछ एक्शन लीजिए, लेकिन शायद हो सकता है कि CJI
कुछ एक्शन लेते, लेकिन उससे पहले ही चुनाव आयोग ने जो है आनन फानन में ये चुनाव की घोषणा कर दी। अब ऐसी स्थिति में इसके ऊपर कोई ज्यादा यानी कि एक तरह से विशेष जो है वो प्रोग्रेस नहीं हो पाई। तब ऐसी स्थिति में हमने ये निश्चय किया कि ज्यादा से ज्यादा सीटों के ऊपर हम चुनाव लड़ेंगे और भारत की इस चुनावी व्यवस्था को हम रिटर्निंग ऑफिसर के माध्यम से हम जो है इसको चैलेंज करेंगे। तो हमने ये 14 पेज का जो है वो एक फिर से हमने चार्टर तैयार किया और आरओ के माध्यम से हमने वही सवाल है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से पूछे हैं और हमने ये मांग की है कि एक कैंडिडेट के रूप में जब लोकसभा का इलेक्शन हम फाइट कर रहे हैं तो हमें खुद को यानी कि एक तरह से जो है हम संतुष्ट नहीं है और हमारे जो राइट है इसका एक तरह से वॉयलेशन हो रहा है, 1 के अकॉर्डिंग है उसमें सजा का प्रावधान है वो किया गया है। लेकिन आज यदि इस ईवीएम में यदि कोई साइबर लॉ के तहत या फिर जो यानी कि एक तरह से इस टेम्परिंग के माध्यम से यदि वोट चुरा लिए जाए या उनमें किसी प्रकार का कोई फेरबदल हो जाए डेटा में, तो ऐसी स्थिति में इस प्रकार का कोई जो है पनिशमेंट का कोई प्रोविजन है वो नहीं है। और यही हमारी यानी कि एक तरह से देश के जो निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए, फेयर फ्री एंड ट्रांसपेरेंट, वो चिंता थी। तो हमने तो यहाँ तक इन बातों तक को पूछा है कि भाई आपकी जो ईवीएम है वो कौन से बैंड पर काम कर रही है, कौन सी फ्रिक्वेंसी पर काम कर रही है, क्या जो फ्रैक्शन ऑफ माइक्रो सेकेंड यानी जिस दिन वोट डलता है और अंतिम वोट की काउंटिंग तक उसकी जो वाच है उसकी घड़ी में किसी प्रकार का कोई फेरबदल तो नहीं हो रहा है, यदि नहीं हो रहा है तो उसका यानी कि एक तरह से कोई सर्टिफिकेट जारी किया गया है या नहीं किया गया है, तो ऐसी यानी कि एक तरह से टेम्परिंग की संभावना नहीं होनी चाहिए और फेयर फ्री और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होने चाहिए। इन सब मुद्दों को हम सब बातों को जो है इस जो आरओ की पिटीशन के माध्यम से हमने उठाया है और इलेक्शन कमीशन को हमने जो हमने पिटीशन दी थी उसके माध्यम से भी इन मुद्दों को हमने उठाया है। तो इन बातों को लेकर ही जो अम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया है वो दिल्ली में भी चुनाव लड़ रही है और दिल्ली प्रदेश की जनता से आपके माध्यम से हम ये बात कहना चाहते हैं कि आज देश की जो संवैधानिक जो संस्थाएं हैं वो अपने आप में अपनी विश्वसनीयताएं खोती जा रही है और ऐसी स्थिति में यदि अम्बेडकर लोग और अम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया के यदि सांसद आप चुनकर यदि भेजते हैं तो हम आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि इस देश में लॉ मेकिंग कैसे होना चाहिए, पॉलिसी मेकिंग कैसे होना चाहिए और सही अर्थों में यानी कि एक तरह से सरकार के ऊपर लगाम कैसे लगाई जा सकती है। यदि हम विपक्ष में रहते हैं तो भी ऐसी स्थिति में किस प्रकार से सरकार के ऊपर कंट्रोल है वो किया जा सकता है। इन सब बातों को अम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष धीमान विजय मानकर साहब के दिशा निर्देशन में और उसके माध्यम से बेहतर तरीके से जानती है और उनके दिशा निर्देशानुसार ही हम जो है ये काम है वो कर रहे हैं। साथ ही साथ एक बात थोड़ा सा वो और कहना चाहेंगे कि हमारी पार्टी के आज राष्ट्रीय अध्यक्ष आने वाले थे लेकिन कल रात को उनकी जो फ्लाइट है वो मिस होने की वजह से वो नहीं पहुंच पाए। मैं इस पार्टी का दिल्ली का प्रदेश प्रभारी भी हूँ, साथ ही साथ मैं राजस्थान का प्रदेश अध्यक्ष भी हूँ, तो मेरी पूरी टीम के साथ में हम जो है ये आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो हम आयोजित कर रहे हैं और इसी संदर्भ में यदि आपके कोई सवाल जवाब हो तो आप अपने सवाल जवाब है वो पूछ सकते हैं। साथ ही साथ हमारे जो कैंडिडेट साथी हैं इनसे भी आप कोई भी यानी कि एक तरह से अपनी जो बात पूछना चाहें वो आप इनसे भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद।